दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप क्लास 10 12 के स्टूडेंट हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश ग्रामर में आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सही जवाब क्या होगा। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पिछले 5 वर्षों के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आए थे उनमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड थे वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा, और आपको समझाऊंगा कि अगर आप कोई भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है आप उनको कैसे करें। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब आपको कोई वाक्य दिया रहेगा उसका मतलब एक एक वर्ड में आपको बदलना रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5 वर्षों के जो सबसे ज़्यादा पूछे गए थे वो मैं इस वीडियो में ले आऊँ। ठीक है, तो एक एक को अच्छे समझेंगे और बताऊंगा कैसे आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करो। ठीक है, पहला है ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, मतलब ईयरली रिटर्न मतलब साल में एक बार जो आता हो। ठीक है, ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट मतलब कोई ऐसा इवेंट हो जो साल में सिर्फ एक बार आता हो, ईयरली रिटर्न। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं एनिवर्सरी, एनिवर्सरी मतलब वार्षिकी, वार्षिक में मतलब साल में जो एक बार आए उसे हम कहते हैं एनिवर्सरी। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, क्लियर है पहला। बात करते हैं सेकंड की, सेकंड है स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई व्यक्ति है जो खुद की स्टोरी खुद से लिखा है। ठीक है, अपने बारे में खुद की स्टोरी उन्होंने खुद से लिखा है हिमसेल्फ। ठीक है, खुद से, तो इसका मतलब क्या हो गया ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, खुद के बारे में खुद से लिखना आत्मकथा। ठीक है, और इंग्लिश में क्या कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, क्लियर है। पहले जो ये सेंटेंस आपको दिया रहता है इसको कोशिश करो हिंदी में इसका मतलब समझो, जब हिंदी में आप इसका मतलब समझ लोगे तो आप बहुत आसानी से इसका इंग्लिश में मतलब निकाल लोगे एक वर्ड में इसका क्या आंसर होगा। ठीक है, जैसे स्टोरी ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद की स्टोरी खुद के द्वारा लिखी गई हो उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। ठीक है, वहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय समवन एल्स, मतलब द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन मतलब किसी व्यक्ति का हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स किसी दूसरे द्वारा लिखे गए हो तो उसे क्या कहते हैं बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब जीवन कथा। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति है उसके बारे में कोई दूसरा व्यक्ति लिखा है उसके जीवन के बारे में तो उसे क्या कहते हैं जीवन कथा, और इंग्लिश में बायोग्राफी, क्लियर है। बात करते हैं फोर्थ की, फोर्थ है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट एंड देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी मतलब जो साइंस जो प्लांट एंड उनके स्ट्रक्चर के बारे में साइंटिफिक स्टडी करे उसे क्या कहते हैं बोटैनी। ठीक है, मतलब वनस्पति विज्ञान, जो वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई करता हो। ठीक है, साइंटिफिक स्टडी उसे हम क्या कहेंगे बोटैनी, क्लियर है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ए प्लांट एंड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोटैनी, क्लियर है। फिफ्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अ पर्सन हु हैज डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, कोई व्यक्ति है अ पर्सन हु हैज डन जिसने समथिंग रॉन्ग जिसने कुछ गलत किया उसे क्या कहते हैं कॉन्विक्ट, कॉन्विक्ट मतलब क्या होता है अपराधी। ठीक है, कोई व्यक्ति है जिसने कुछ गलत किया है उसे क्या कहेंगे कॉन्विक्ट, क्लियर है। बात करते हैं छठवां का, छठवां है विच कांट बी सीन मतलब विच कांट बीन सीन मतलब जिसे देखा ना जा सके। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे इनविजिबल। ठीक है, इनविजिबल विच कांट बी सीन जिसे देखा ना जा सके उसे हम क्या कहेंगे इनविजिबल मतलब अदृश्य, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अदृश्य, क्लियर है, समझ में आ रहा है। बात करते हैं ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, कैसे मिलेगा मैं बता दूंगा लास्ट में। सातवां है अ पर्सन हु एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स गुड्स विथआउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस, मतलब कोई व्यक्ति है जो बाहर से सामान ला रहा है और बेच रहा है। ठीक है, विथआउट पेइंग कस्टम ड्यूटी एंड टैक्सेस मतलब बिना टैक्स दिए वह बाहर से सामान को ला रहा है और बाहर बेच रहा है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे स्मगलर। ठीक है, मतलब तस्करी जिसे कहते हैं स्मगलर। ठीक है, बात करते हैं आठवां अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड, मतलब कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स मर चुके हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे ऑर्फेन, ऑर्फेन मीन्स क्या होता है अनाथ। ठीक है, कोशिश करो जो भी ये सेंटेंस है उसका हिंदी मीनिंग अगर आप निकाल लिए तो आप इंग्लिश वर्ड बहुत अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, नौवां है क्या भी 2 वर्ड्स पूछा जा चुका है इक्लिप्स ऑफ मून। ठीक है, इक्लिप्स ऑफ मून मतलब ल्यूनर इक्लिप्स, इसका मतलब क्या होता है चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण। ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स मीन्स चंद्र ग्रहण, इक्लिप्स ऑफ मून है इसका मतलब क्या हुआ ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, चंद्र ग्रहण। दसवां है अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, मतलब कोई ऐसी बीमारी
विच स्प्रेड मतलब बहुत तेजी से जो फैल रहा हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, संक्रामक रोग, ठीक है, मतलब कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल जो बहुत तेजी से, बहुत तेजी से फैल रहा हो, ठीक है, अ डिजीज विच स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, क्या कहेंगे, कम्युनिकेबल मतलब संक्रामक रोग, क्लियर है। 11वां है स्पीकिंग टू लैंग्वेजेस, मतलब कोई व्यक्ति है जो दो लैंग्वेज बोल रहा हो, जैसे फ्रेंच भी बोल रहा हो, इंग्लिश भी बोल रहा हो, इसे क्या कहेंगे, बाई लैंग्वल, ठीक है, बाई लैंग्वल मतलब द्विभाषिक, द्विभाषिक मीन्स क्या होता है, जो दो भाषा जानता हो या बोलता हो, ठीक है, द्विभाषिक, क्लियर है। 12वां है वॉन्ट ऑफ रेन, वॉन्ट ऑफ रेन मीन्स क्या समझ में आ रहा है, मतलब जिसे रेन की जरूरत हो, ठीक है, मतलब जहां सूखा पड़ा हो, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ड्रॉट, ड्रॉट मीन्स क्या होता है, सूखा, ठीक है, वॉन्ट ऑफ रेन मतलब रेन की जरूरत हो, क्लियर है। तो ये वो 12 थे जो पिछले 5 वर्षों में बहुत बार पूछे गए थे। इसी तरीके से मैं अब क्या करूंगा, डेली आपको इंग्लिश की एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा, इस सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप का टॉप 100 बाय ज्वाइन कर सकते हो। इसकी फी है, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7084 81 7009 पर मैसेज कर सकते हो कि सर हमें आपका ये टॉप 100 बाय ज्वाइन करना है, ठीक है।